हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, आजकल हर एक के साथ कलर फेयरनेस की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आप आजकल हाथ पांव जो है बहुत काले रहते हैं, सब लोग के साथ इसी का इशू है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको आप 1 वीक जो है रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये आपका जो है कलर फेयरनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, जो यूजुअली हर घर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे पहले है हमारे पास गंदम का आटा, मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर, ठीक है। ये रोज़ वाटर हमने नेचुरल लिया है, अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप जो आम दुकान से मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो गाइस, चलिए अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी, ठीक है, और 1 टेबल स्पून की। तो चलिए इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने गंदम का आटा ऐड करना है, ठीक है, ये आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये भी आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड करनी है। और ये रोज़ वाटर, ठीक है, ये आपने तब तक ऐड करना है जब तक आपका सही पेस्ट नहीं बन जाता। मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। तो गैस, चलिए अब इसको मिक्स करते हैं। ओके सो गाइस, ये हमारा पेस्ट जो है रेडी है, ठीक है। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके बताती हूँ। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है, और बहुत अच्छा पेस्ट बना है। अब आपने इसको 5 से 8 मिनट तक खुश्क होने देना है और फिर आपने इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पेस्ट बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। तो आपको इसमें इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को मैं बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।